और कर्नाटक हाईकोर्ट के जज वी श्रीनानंद ने बेंगलुरु के मुस्लिम बाहुल्य इलाके को पाकिस्तान बता दिया, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। मामला 28 अगस्त का है और अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लिया। अब हम आप ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। दरअसल कर्नाटक हाईकोर्ट में रेंट कंट्रोल एक्ट को लेकर के यहां इससे जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस श्री वी श्रीशानंद ने बेंगलुरु के मुस्लिम बाहुल्य इलाके और गोरीपालिया को पाकिस्तान करार दे दिया था। उन्होंने मैसूर रोड फ्लाईओवर का जिक्र करते हुए कहा था ये भारत में नहीं पाकिस्तान में है, जिसके बाद उनका बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अदालत में रेंट कंट्रोल एक्ट के प्रावधानों पर बात चल रही थी, जज की तरफ से ऐसा बयान आ गया और फिर बाद में मामला ड्राइवर के इंश्योरेंस तक पहुंच गया। कर्नाटक हाईकोर्ट की विवादित टिप्पणी पर अब आपको यह भी जानकारी दे दें कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और इस पर जवाब मांगा है। न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने न्यायिक मर्यादा बनाए रखने की जरूरत पर जोर दिया। शीर्ष कोर्ट ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से भी 2 दिन में इस पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी है। Zee News.